Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAG TV. TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा का यूक्रेनी बाशिंदों की मदद के लिए 150 फौजी पोलैंड भेजने का फैसला। कनेडियन वजीर दिफा का कहना है कि फौजी यूक्रेनी पनाह गुजीनों को महफूज तिबी देखभाल की सहूलत फराहम करेंगे। कनाडा मुश्किल वक्त में यूक्रेन के साथ खड़ा है। टोरंटो में इस वीकेंड पर बर्फबारी का इम्कान। वेदर नेटवर्क के मुताबिक जुमे और हफ्ते की बर्फबारी का इम्कान है। ईस्टर के मौके पर शहर का दर्जे हरारत कम रहेगा। रूस की यूक्रेनी शहरों मारियोपोल और खार्किव में बमबारी जारी। यूक्रेन का हमला, रूस का मिसाइलों से लैस बहरी जंगी जहाज डूब गया। रूस ने अपने जंगी जहाज के डूबने की तस्दीक कर दी। इमारात इस्लामी अफगानिस्तान में मुआशी नाहमवारी और नागुफ्ता बेकसादी सूरत हाल संगीन मसाइल हैं। प्रोग्रेस एंड जस्टिस पार्टी ने हुकूमत से तालबात के स्कूलों के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खोलने का मुतालबा कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स with Allstate. Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Canada में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेजिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर रब्ता कीजिए। कनाडा रूस के साथ जंग से फरार होने वाले 2.7 मिलियन यूक्रेनी बाशिंदों की बड़ी आमद से निमटने के लिए पोलैंड की मदद के लिए 150 के करीब फौजी भेजेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा रूस के साथ जंग से फरार होने वाले 2.7 मिलियन यूक्रेनी बाशिंदों की बड़ी आमद से निमटने के लिए पोलैंड की मदद के लिए 150 के करीब फौजी भेजेगा। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद ने कहा कि पनाह गुजीनों को संभालने में मदद के लिए पोलिश हुकूमत की दरख्वास्त के जवाब में फौजी आम मदद फराहम करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कैनेडियन फोर्सेस बेस ट्रेंटन में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि फौजी महदूद तिबी देखभाल फराहम करेंगे, कोशिशों को हम आहंग करने में मदद करेंगे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जंग से फरार होने वाले यूक्रेनी बाशिंदों को मुमकिन तौर पर बेहतरीन मदद मिले और महाजरीन को कनाडा में तेजी से ट्रैक करने के लिए रबते के तौर पर काम करें। कनाडा ने पहले ही यूक्रेनी बाशिंदों के लिए आर्जी इमिग्रेशन दरख्वास्तों को हमवार कर दिया जो उन्हें 3 साल तक काम करने या तालीम हासिल करने की इजाज़त देती है। फरवरी में जब से रूस ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाई शुरू की थी, कनाडा ने यूक्रेन को हथियार और दीगर इमदाद भेजी है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि टोरंटो में अगले हफ्ते भी बर्फबारी हो सकती है, लेकिन गुड फ्राइडे को बारिश और ईस्टर संडे को कम दर्जे हरारत और धूप की तवक्को है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो समेत ऑन्टेरियो के कुछ इलाकों में इस ईस्टर वीकेंड पर बर्फबारी मुमकिन है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि टोरंटो में अगले हफ्ते भी बर्फबारी हो सकती है, लेकिन गुड फ्राइडे को बारिश और ईस्टर संडे को कम दर्जा हरारत और धूप की तवक्को है। अगरचे एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि टोरंटो में इस हफ्ते के आखिर में बर्फबारी की तवक्को नहीं है, लेकिन
कुछ मौसम की पेशनगोई करने वाले जुमे की रात से हफ्ते तक बर्फबारी की पेशगोई कर रहे हैं। मौसम बहार के बाज़ाब्ता आगाज को तकरीबन एक महीना हो चुका है और शहर ने अभी तक गर्म मौसम की पहली तवील मुद्दत का तजुर्बा नहीं किया है और इस हफ्ते के आखिर में ऐसा होने के इम्कान कम है। माहौलियात कनाडा अगले हफ्ते टोरंटो के लिए 60% तूफान या बारिश का इम्कान है। मंगल को शहर में बर्फबारी की तवक्को है और दिन के वक्त औसत हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को है और रात को अंजुमा से नीचे गिर जाएगा। वेदर नेटवर्क जुमे की रात से हफ्ते तक बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर रहा है। शहर के शुमाल मगरब और कॉटेज कंट्री के कुछ हिस्सों में गीली बर्फ की तवक्को है। रूस की यूक्रेन के शहर मारियोपोल और खारकीव में बमबारी जारी है। रूस ने कहा कि वो अपना तेल किसी भी कीमत पर दोस्त ममालिक को फरोख करने के लिए तैयार है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस की यूक्रेन के शहर मारियोपोल और खारकीव में बमबारी जारी है। रूस ने कहा है कि वो अपना तेल किसी भी कीमत पर दोस्त ममालिक को फरोख्त करने के लिए तैयार है। रूसी फौज ने मारियोपोल में अहम पोजीशंस पर कब्जा कर लिया। दूसरी जानिब रूसी फौज का अहम बहरी जहाज मस्कोवा बहीरे अस्वद में डूब गया है, जिससे रूस को यूक्रेन जंग में बड़ा धचका पहुँचा है। यूक्रेनी फोर्सेज ने बहरी जहाज को गुज़िश्ता रोज मिसाइल से निशाना बनाया था। उधर सदर पुतिन ने कहा कि रूस अपने तेल और गैस की तरसील का रुख बआसानी एशिया की जाने मोड़ सकता है, जहां एनर्जी की जरूरियात बढ़ रही हैं, जबकि रूस के वजीर तवानाई ने कहा है कि दोस्त ममालिक को अपना तेल किसी भी कीमत पर फरोख्त करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के मिसाइल हमले में तबाह होने वाला रूस का बहरी जंगी जहाज बहीरे अस्वद में डूब गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने गुज़िश्ता रोज मिसाइल हमले में रूस के बहरी जंगी जहाज को निशाना बनाया था, जिससे जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा था। हमले के बाद जहाज में धमाके हुए थे और आग लग गई थी। रूस की वजारत दिफा के हुक्काम ने बहरी जंगी जहाज मॉस्कोवा के गर्क होने की तस्दीक कर दी। हुक्काम का कहना था कि जहाज को खींच कर वापस रूसी बंदरगाह लाया जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में डूब गया। रूसी बहरी जंगी जहाज का वजन 12,500 टन था और इस पर जदीद तरीन एंटी शिप और जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल नस्ब थे। यूक्रेन ने रूसी जहाज की गर्काबी को बड़ी कामयाबी करार दिया है। प्रोग्रेस एंड जस्टिस पार्टी ने मुल्की हालात के तनाजुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खताब के दौरान बरादर पड़ोसी मुल्क ईरान से अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर भी दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमारत इस्लामी अफगानिस्तान की प्रोग्रेस एंड जस्टिस पार्टी ने मुल्क के मसाइल पर रोशनी डालते हुए कहा कि अफगानिस्तान में मौशी नाहमवारी नागुफ्ता बा इक्तिसादी सूरत हाल और जमात शशम से ऊपर की तालबात के लिए स्कूलों का बंद होना संगीन मसाइल हैं। प्रोग्रेस एंड जस्टिस पार्टी ने मुल्की हालात के तनाज़े में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ब्रादर पड़ोसी मुल्क ईरान से अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। प्रोग्रेस एंड जस्टिस पार्टी की जानिब से अमारत इस्लामिया से तालिबात के स्कूलों के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खोलने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर प्रोग्रेस एंड जस्टिस पार्टी के रहनुमा उस्ताद सैयद जवाद हुसैन ने कहा है, छठी जमात से ऊपर की जमात की तालिबात के स्कूलों की बंदिश ना तो खुशाइंद है और ना ही इंसानी और ना ही सकाफती तौर पर जायज़ है। आम आवाम और शहरी चाहते हैं कि स्कूलों के दरवाजे तमाम लड़कियों के लिए खोले जाएँ। بستماندن مکاتب دختران بالای سنف شش نه توجیه اسلامی دارد، نه توجیه عقلانی دارد، نه توجیه ملی و فرهنگی دارد و از طرفی اجماع ملی و خواست همه شهروندان بر این است که مکاتب دختر بسته دختران هر چه زودتر باید سماجی رہنما ابو ذر حسنی کا کہنا تھا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ افغان عوام کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدام اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کی روک تھام کو یقینی بنائیں جو افغانستان اور ایران تعلقات کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ہم ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ما از دولت جمہوری اسلامی ایران می خواہیم با در نظر گرفتن شرایط ناخوشایند که در افغانستان حاکم است، یعنی وضعیت بد اقتصادی و بیکاری نسبت به مهاجرین مظلوم و بیپناه افغانستان آغوش باز داشته باشند و طبق مقررات بین المللی به مشکلات مهاجرین رسیدگی کنند. ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔ We'll be right back.
subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.